हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड, XMG 250 क्रॉलर क्रेन के बारे में आज जानकारी देने वाला हूं। फ्रेंड, ये फिक्स जीबी के जानकारी आज देंगे। फ्रेंड, फिक्स जीबी में मेन बूम कितना लगता है? फ्रेंड, 17 मीटर से लेके मेन बूम 65 मीटर तक लगता है फ्रेंड्स। और ये फिक्स जीबी फ्रेंड 9 मीटर से 30 मीटर तक लगता है फिक्स जीबी बूम। बहुत लोग फ्रेंड कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा मेन बूम कितना मीटर तक लगता है। फ्रेंड, इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं इसी के बारे में, फिक्स जीबी और मेन बूम कितना मीटर का लगता है। आइए चलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाएंगे फ्रेंड, फिक्स जीबी का जानकारी देंगे। आइए चलिए दिखाते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड जानते हैं फिक्स जीबी का जानकारी। ये फ्रेंड जो देख रहे हैं 9 मीटर से लेके ये जो है 30 मीटर तक है फ्रेंड्स। ये फिक्स जीबी है, बूम है, और ये इसका डिग्री है फ्रेंड, 10 डिग्री है और 30 डिग्री होता है। इसमें 2 डिग्री होता है, फिक्स जीबी में होता है फ्रेंड। ये जो देख रहे हैं F2 T2, ये जो है फ्रेंड, ये पेंडेड पट्टी का है, पीछे का ये वाला फ्रेंड्स है, और ये इसी के बारे में वो पेंडेड पट्टी दिया है। इसमें 10 का फ्रेंड करना रहेगा। ये 10 डिग्री जो देख रहे हैं फ्रेंड, ये फिक्स जीबी का जानकारी दे रहा हूँ। XMG 250 क्रेन का जानकारी दे रहे हैं। जो फ्रेंड 10 का एंगल करना रहेगा, ये 10 का एंगल, तो A4J4PHL यही पेंडेड पट्टी लगेगा पीछे में। टोटल 6 मीटर 700 लगेगा, इधर दिख रहा होगा फ्रेंड, 6 मीटर 700 दिख रहा है। ये 10 का एंगल में लगेगा, 30 का करना रहेगा, ये 30 का है। इसी में से फ्रेंड लिखा हुआ, इसी में से छोटा बड़ा करना रहता है, यही दिया है पेंडेड पट्टी। ये जो देख रहे हैं पेंडेड पट्टी है पीछे का, और ये देखिए 30 डिग्री जो दिखा रहा है फ्रेंड फिक्स जीबी का, इसमें अपना A4T1F3Z4PHL ये टोटल पेंडेड पट्टी जोड़ेंगे तो 8 मीटर 190 है फ्रेंड्स। ये जो दिख रहा है 8 मीटर 190 पीछे का है फ्रेंड्स। आप लोग को डाउट क्लियर होगा फ्रेंड्स, ये फिक्स जीबी का जानकारी दे रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फिक्स बूम का कोड नंबर है, ये जो देख रहे हैं 2017A7, ये कोड है, बूम का कोड होता है। ये 7 नंबर बूम है और इसका कोड है। और ये देखिए 3 मीटर का है फ्रेंड, लेंथ 3 मीटर का है ये। और ये 8 नंबर बूम है, 2017.8 ये बूम का कोड है। जितना नीचे देख रहे हैं फ्रेंड, ये सब बूम का कोड है। इसमें 20172 है, 17146 है, 17147 है, 17141 है, 20171 है फ्रेंड। ये बूम है, बूम का कोड नंबर है। और इधर जो देख रहे हैं बूम का लेंथ है, कितना मीटर है, 3 मीटर होता है, 6 मीटर होता है, 12 मीटर होता है, 4 मीटर होता है, 4.5 मीटर दिया है, 3 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर, ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स। अभी अपने को फिक्स जीबी 9 मीटर से स्टार्ट होता है फ्रेंड। 9 मीटर हमको जोड़ना रहेगा तो कौन कौन सा बूम लगेगा, इसी में से बूम लगेगा फ्रेंड। 9 मीटर अपने को लगाना है, इसी में से बूम को 9 मीटर हमको जोड़ना है फ्रेंड। आइए जानते हैं कौन कौन सा बूम लगेगा फ्रेंड्स। 9 मीटर जोड़ने के लिए फ्रेंड, ये 15 नंबर बूम बटम पीस है, 1.5 मीटर का होता है। और दूसरा 10 मीटर का बूम जोड़ेंगे फ्रेंड, 4.5 मीटर का होता है, ट्रांजेक्शन बूम होता है जो टेढ़ा सा रहता है। और उसके बाद में फ्रेंड 14 नंबर जोड़ेंगे, ये 14 नंबर जीप होता है जो टॉप सेक्शन होता है, 3 मीटर का है फ्रेंड। ये टोटल 3 बूम जोड़ेंगे फ्रेंड तो 9 मीटर हो जाएगा फ्रेंड। 30 मीटर बूम का जानकारी बताता हूँ फ्रेंड, 30 मीटर में कौन कौन सा बूम लगेगा फ्रेंड्स। 30 मीटर में ये 15 नंबर तो पहले लगेगा, ये 1.5 मीटर का जो बूम होता है। और 7 नंबर फ्रेंड्स लगेगा, जो ये देख रहे हैं 3 मीटर का बूम है। और 8 नंबर जोड़ेंगे फ्रेंड्स,
8 मीटर जो है 6 मीटर का बूम है फ्रेंड्स, और 9 नंबर जोड़ेंगे फ्रेंड 12 मीटर का जोड़ेंगे, ये जो दिख रहा है 12 मीटर, और 10 नंबर का जोड़ेंगे फ्रेंड 4.5 मीटर का है, और 14 नंबर जोड़ेंगे फ्रेंड्स 3 मीटर का, ये टोटल जोड़ेंगे फ्रेंड तो 30 मीटर बूम हो जाएगा, ये फिक्स जीबी का जानकारी बता रहे हैं फ्रेंड्स। इधर फ्रेंड दिखा देते हैं बूम का कौन कौन सा जोड़ाता है, देखिए 9 मीटर में उधर मैं बताया 15 नंबर लगेगा, 10 नंबर लगेगा और 14 नंबर लगेगा फ्रेंड, तो 9 मीटर होगा ये सब ऐसे दिया, 18 मीटर अपने को लगाना रहेगा तो 15 नंबर बूम लगेगा और 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर 14 नंबर ऐसे ही फ्रेंड जोड़ा जाता है। 24 मीटर जोड़ना रहेगा तो 15 नंबर लगेगा, 7 नंबर लगेगा, 8 नंबर लगेगा, 10 नंबर लगेगा, 12 नंबर लगेगा, 14 नंबर लगेगा, ये टोटल जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो 24 मीटर हो जाएगा। ये जो फ्रेंड देख रहे हैं ये आगे का पेंडेट पट्टी है फ्रेंड, ये जितना दिख रहे हैं सब आगे का पेंडेट पट्टी है, आगे बूम में लगेगा, फिक्स जीबी का पेंडेट पट्टी है, आगे में सब लगेगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड 9 मीटर का ये पेंडेट पट्टी, ये सब नंबर है पेंडेट पट्टी का, 11 मीटर 600 लगेगा फ्रेंड, 9 मीटर बूम में 11 मीटर 600 लगेगा, पेंडेट पट्टी दिया है फ्रेंड्स। ये 15 मीटर का ये पेंडेट पट्टी का कोड है फ्रेंड, ये जितना लिखा है ये कोड है फ्रेंड, ये 17 मीटर 11 लगेगा फ्रेंड्स, ऐसे ही पेंडेट पट्टी जोड़ा जाता है फ्रेंड। ये जितना दिया है 30 मीटर में 31 मीटर 6-7 जो लिखा है इतना लगेगा फ्रेंड, ये पेंडेट पट्टी का कोड है फ्रेंड्स, ये फिक्स जीबी का है फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो विनोद क्रेन ऑपरेटर ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, शेयर भी कीजिए और लाइक भी करिए फ्रेंड्स। ये फ्रेंड जो देख रहे हैं बॉटम पीस है, ये बॉटम पीस 1.5 मीटर का है, ये जो देख रहे हैं ये मेन बूम है, मेन बूम में ये बॉटम पीस पहले लगाया जाता है 1.5 मीटर का जो है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड ये 9 मीटर का लगा हुआ है बूम, और ये 12 मीटर का लगा हुआ है फ्रेंड दूसरा नंबर, और देखिए ये 15 मीटर बूम लगा हुआ है फ्रेंड्स, और ये 18 मीटर लगा हुआ है, इसका पेंडेट पट्टी देखिए ये लगा हुआ है, ये पेंडेट पट्टी है, ये सब है, टोटल जोड़ेंगे तो 1100-600 हुआ है, 11 मीटर 600 है ये दिखा रहा है फ्रेंड। ऐसे ही जोड़ा जाता है, जितना नंबर उधर मैं बताया वही ये नंबर है फ्रेंड्स, और ये 15 मीटर का बूम लगा है फ्रेंड, ये इसका पेंडेट पट्टी 17110 लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये पेंडेट पट्टी का। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगला वीडियो में लफिंग के बारे में फ्रेंड बताएंगे, लफिंग बूम किसे कहते हैं। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड ये हेवी बूम है, मेन बूम ये है, ये डाउन होता है फ्रेंड, ये फिक्स जीबी के बारे में है फ्रेंड, ये डाउन होगा ये इंगल सेट हो जाएगा, ये 10 डिग्री और 30 डिग्री का सेट होता है, एक बार सेट हो गया फ्रेंड उसी पे चलेगा, ये डाउन नहीं होगा फ्रेंड, ये फिक्स जीबी है, और ये मेन बूम है ये डाउन होगा फ्रेंड्स, ये फिक्स जीबी फिक्स जीबी डाउन नहीं होता है फ्रेंड, ये मेन बूम डाउन किया जाता है। आप लोग को क्लियर डाउट हो गया होगा फ्रेंड, और विनोद क्रेन ऑपरेटर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर कीजिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए फ्रेंड।